So children, now let's do our math exercise on topic thick and thin. For that आपको अपनी book page number 5 पर खोलनी है. So हमारा topic यहाँ पे क्या है, thick and thin. First box में आपको क्या करना है, tick the thick object in each box. आपको thick object को tick करना है. ये 2 candles हैं. ओके, विच वन इज थिक, जो भी थिक होगी उसको आपने टिक करना है. राइट, व्हाट इज दिस, सबको पता है दीज आर ब्रेड स्लाइसेस. राइट, इसमें से एक ब्रेड स्लाइस जो है वो थिक है और एक थिन है. मैम आपको नहीं बताएंगे, आपको जो थिक है उस पर टिक करना है. देखने में ही समझ में आ रहा है कौन सी थिक है और कौन सी थिन है. ओके, दीज आर टू थ्रेड रोल्स है ना, एक ब्लू कलर का है और एक पिंक कलर का. अब आपको किस पे टिक करना है, जो थिक होगा, जो थोड़ा मोटा होगा उस पे. राइट, ये हमारे पास टू पेयर हैं बेडशीट के फोल्ड करके रखे हुए. अब आपको कौन से वाले पे टिक करना है, जो थिक होगा. राइट, थिक वाले पे आपको टिक करना है. Now we have 3 books. इनमें से आपको जो सबसे थिकेस्ट बुक है उस पर टिक करना है, जो थिनेस्ट है उस पर क्रॉस करना है. ओके, यहाँ पर हमारे पास एक क्रेयॉन है. आपको एक और क्रेयॉन ड्रॉ करना है जो कि इससे थिकर हो. थिकर, ओके, जस्ट लाइक थिकर मीन्स इससे थोड़ा मोटा हो. ओके, तो हम एक और क्रेयॉन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सो दिस क्रेयॉन इज थिकर देन दिस वन. थिकर है ना, आपको इसको ड्रॉ करना है और कलर भी करना है. यहाँ पे ये एक जार है, आपको इस जार से थिनर जार, मतलब इस जार से पतला जार ड्रॉ करना है और उस पर भी कलर करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.